हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ये पर्दा होल्डर बनाकर बताऊंगी। ये देखिए, मैंने इस तरह का पर्दा होल्डर बनाया है। इस पर आप पर्दा लगा के इस तरह से खिसका सकते हैं, ये देखिए। और इसमें जो मैंने ये रिंग लगाई है, ये मैंने बैक साइड में लगाई है, जिससे ये पर्दा पीछे की साइड में हैंग होगा और आगे से ये डिजाइन दिखेगा। ये देखिए, मैंने इतना सुंदर पर्दा होल्डर बनाया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे आने वाली नई नई वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं मैंने इसको कैसे बनाया है। ये देखिए, सबसे पहले मैंने ये 6 मीटर का धागा लिया है, इसको डबल कर लिया है। अब इसमें मैं ये बीचों बीच वाला हिस्सा है, अब मैं इसमें ये देखिए इस तरह से एक धागा और फंसा लूंगी। ये देखिए, इस तरह से बीच में मैंने धागा फंसाया है। अब मैं दूसरा धागा फंसा लूंगी। इस तरह से ये देखिए, ये सबसे पहले धागा मैंने इसके बीचों बीच में फंसाया है और दूसरा धागा जो है इनके ऊपर फंसाया है। मैं सारे धागे इसी तरह से फंसा लूंगी, इन दोनों धागों के ऊपर ही फंसाऊंगी मैं। अब ये देखिए, मैंने इसमें 14 धागे फंसा लिए हैं। दो इधर ये ब्लू, दो वाइट, दो ब्लू, दो वाइट और दो ब्लू, दो वाइट, और ये एक धागा इधर का आ जाएगा और ये दो ब्लू। तो ये पूरे टोटल 14 धागे हो गए हैं। अब हम इनमें एक एक नोट्स सिंपल वाले लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इन सभी में एक एक नोट्स सिंपल वाले लगा लेंगे। अभी मैं सब में ऐसे लगा लेती हूँ। ये देखिए, मैंने इनमें एक एक नोट्स लगा ली हैं। अब मैं इसमें से ये जो दो धागे हैं, ये साइड वाले देखिए 4 हैं, इसमें से 2 इस तरह से लूंगी और ये नोट्स लगा लूंगी। इस तरह से ये देखिए, मैं इस तरह से नोट्स लगा ली है। अब मैं ये इसमें से 2 धागे लूंगी व्हाइट वाले, ये देखिए, और ये ब्लू वाले से नोट्स लगाऊंगी। देखिए इस तरह से, फिर ऐसे ही इधर
ये देखिए इस तरह से। फिर अब मैं इन दोनों को इधर साइड लूंगी। और इस तरह से मैं सब में इसी तरह से ये गांठे लगा लूंगी। ये देखिए मैंने इस तरह से ये नोट्स लगा ली हैं ये भी। अब ये जो इधर से और इधर से ये बीच में चार धागे आ रहे हैं, देखिए इनके भी मैं आपस में इसी तरह से नोट्स लगा दूंगी। इसमें बस दो ही तरह के नोट्स हैं। इस तरह से और ये जो इधर से और इधर से व्हाइट के चार धागे आ रहे हैं, इनकी भी मैं आपस में नोट्स लगा लूंगी। ये देखिए इस तरह से। और ये जो साइड में धागे आ रहे हैं इसको इस तरह से बीच में रखना है, और ये जो व्हाइट है इनके बीच में लाना है, और इस तरह से ये व्हाइट धागे से ही नोट्स लगा लेनी है। ये देखिए हल्का सा खींचना है। अब हम ये जो व्हाइट धागे इन्हीं को वापस इस तरह से लाना है, इनको साइड में ही रहने देना है, और वापस इसी तरह की नोट्स लगा लेनी है। ये देखिए दो दो धागों की, आप चाहें तो इसमें मोती डाल सकते हैं। मैं इसमें मोती नहीं डाल रही हूँ, जरूरत पड़ेगी तो आगे डालूंगी। ये देखिए अब फिर इनको इधर से, या चाहे तो शुरू शुरू में यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन के बीट्स लगा सकते हैं आप। ये देखिए अब मैं इसकी एक गांठ लगा लूंगी। अब मैं कम से कम 3 या 4 इंच का इसको इसी तरह से डिजाइन बना लूंगी। ये देखिए मैंने इसमें 3 इंच का बना के ये रिंग लगा लिया था राउंड शेप में, और फिर से 6 इंच का बना के ये देखिए फिर एक रिंग लगा लिया। अब मैंने फिर से 6 इंच का बना लिया है, और मैं इसमें एक और रिंग लगा लूँगी। रिंग बना लगाना मैं बताऊँगी आपको। ये देखिए जैसे मेरे इसमें ये 3 नोट्स आ रहे हैं, ये इस तरह से ये देखिए इसमें 3 पत्तियां आ रही हैं, 1 2 3, और ये हमारी जो बीचों बीच की ये पत्ती है, ये इसमें हमने ये बीच में एक नोट लगा लिया। देखिए अब हम यहाँ से ये मेरे पास एक मेटल की रिंग है, ये रिंग्स कम पड़ गई मेरे पास में, तो ये मैं मेटल की रिंग लगा दूंगी इसमें, ये टूटती नहीं है।
ये देखिए इसको मैं किस तरह से लगाऊंगी, ये इसके ऊपर रखूंगी और इस तरह से ये इस तरह से ये देखिए इस तरह से लगा ली है। और फिर ये देखिए मैंने इस तरह से चारों धागे ये फंसा लिए हैं। अब मैं ये यहाँ पे ये व्हाइट की नोट्स आ रही है, इसको भी इसी तरह से फंसा लूंगी। इसके मैं दो ही धागे फंसाऊंगी खाली। और अब ये डिजाइन है ये इस तरह से बना लूंगी। और ये जो दो धागे हैं ये व्हाइट वाले, इसमें ये नोट लगा लूंगी इस तरह से। अब ये जो दो धागे आए हैं हमारे ब्लू कलर के, इनको भी हम इसी में फंसा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये इसको फंसा लिया है। इसी तरह से हम इधर से फंसा लेंगे इसको। ये देखिए मैंने इधर से दोनों धागे फंसा लिए हैं रिंग के ऊपर। अब जो ये हमारा ये कोने का धागा आ रहा है, इसको हम इस तरह से मोड़ लेंगे खाली वाइट वाइट को इस तरह से। और ये जो धागे आ रहे हैं ये देखिए, इनके इससे नोट्स लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से लगा ली। अब फिर हम इनको ये इस तरह से लगा लेंगे यहाँ पे। और ये साइड में चार धागे आ गए हैं, ये इस तरह से इनकी भी गांठ लगा लेंगे। और फिर से ये जो दो धागे आए हैं इनकी सिर्फ दो ही धागों में ये गांठ लगा लेंगे।
और जहाँ पे हमारा धागा कम पड़ जाए वहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि चार चार मीटर के धागे काटने हैं, तो चार चार मीटर के धागे मेरे कम पड़े थे, तो आप आठ आठ मीटर के धागे काट लीजिए या फिर बीच में आप जॉइंट कर सकते हैं अगर चार चार मीटर के काटने हैं तो। ये देखिए अब ये साइड में दो धागे बचे, अब हम इनको इस तरह से व्हाइट वाले धागों के बीच में रखेंगे और एक गांठ इस तरह से लगा लेंगे। ये देखिए इसको थोड़ा सा खींच देंगे, अब ये डिजाइन हो गया है। अब ये जो धागे आ रहे हैं इनको हम इस तरह से करेंगे और ये देखिए ये चूड़ी के अंदर से निकाल के इस तरह से और इस तरह से गांठे लगा लेंगे। इससे हमारी चूड़ी ये कवर हो जाएगी। ये देखिए अब हम ये धागे आ रहे हैं इसको भी हम चूड़ी के इस तरह से निकाल लेंगे और इन दोनों धागों में ये देखिए एक गांठ लगा लेंगे। और फिर से इन धागों को चूड़ी के अंदर से निकाल के इस तरह से यही वाली गांठें लगा लेंगे। ये हमारे इसमें चूड़ी भी फंस गई है और ये डिजाइन भी बन गया है। देखिए अब इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ से बताया था ये दोनों वाइट धागों को ऐसे करके और इस तरह से मैं इसमें धागा जोड़ लेती हूँ पहले। ये देखिए मैंने धागा जॉइंट कर लिया, अब मैं इसको इसी तरह से ये गांठे लगा लूँगी। अब मैंने जैसे ये इधर एक डिजाइन बनाया है अब इसी तरह से मैं इधर भी डिजाइन बना लूंगी। ये देखिए मैंने ये इधर दोनों साइड से डिजाइन कंप्लीट कर लिया है। अब जो ये हमारे बीच में छह धागे बचे हैं, ये चार ब्लू और चार वाइट, आठ धागे हैं ये। अभी हम इनको इस तरह से दूसरे साइड से कट कर लेंगे। और इनको यहाँ पे चिपका देंगे इस तरह से। मैं इनको चिपका देती हूँ। ये देखिए अब ये जो हमारे ये धागे आ रहे हैं साइड वाले, अब हम इनको इस तरह से एक एक गांठ लगा लेंगे। ये लग गई। अब हम इन दो धागों को इस साइड लेके
इधर ये इस तरह की गांठें लगा लेंगे। सेम इधर से भी ऐसे ही ये धागों को इधर चूड़ी पे इस तरह से गांठ लगा के, गांठ हम इसलिए लगाएंगे जिससे कि चूड़ी कवर हो जाए, दिखे ना। आप चाहें तो चूड़ी को पहले भी कवर कर सकते हैं, इसमें अटैच करने से पहले भी कवर कर सकते हैं अगर आपको इस तरह से कवर नहीं करना है तो, या फिर कवर करना नहीं आ रहा है तो। ये देखिए इस तरह से चूड़ी कवर हो गई है। अब हमने जो ये ऊपर वाले धागे यहाँ से काटे थे, अब हम उनको यहाँ पे लगा लेंगे। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ से ये चार धागे ब्लू के थे और चार वाइट के, दो इधर और दो इधर, अब हम इसी तरह से इसमें यहाँ फंसा लेंगे। ये पहले हम ब्लू के फंसाएंगे, ये एक धागा फंसाया तो इसमें ये देखिए डबल हो गए हैं। ये इसी तरह इधर साइड में फंसा लेंगे। और ये वाइट बीच में फंसा लेंगे। अब हम ये जैसे हमारी चूड़ी है थोड़ी थोड़ी दिख रही है, तो अब हम इसको इस तरह से एक एक गांठ लगा लेंगे जिससे कि चूड़ी और भी कवर हो जाए। इसी तरह से मैं इसकी और इन दोनों ब्लू धागों की भी लगा लूंगी। ये देखिए हमने ये धागे फंसा लिए हैं, ये रहे। अब हम ये जो वाइट धागे आ रहे हैं इनको इस तरह से, जो डिजाइन हमारा बनता चला आ रहा है वही डिजाइन हम बना लेंगे। मैं इसको जॉइंट कर लेती हूँ। ये इसी तरह से हम ये गांठे लगा लेंगे। अब हम यही डिजाइन बना लेंगे जो हमारा बनता चला रहा है 3 इंच का। और मैंने इसमें आपको चूड़ी फंसाना बताया है और डिजाइन बनाना मैंने पहले ही बता दिया है, तो मैं इसको इसी तरह बना दूंगी। ये देखिए मैंने ये डिजाइन कंप्लीट कर लिया है इतना 2-2.5 इंच का। और ये देखिए मैंने ये गांठे लगा ली हैं सभी में इस तरह से। और अब मैं ये कोने वाला एक धागा लूंगी, ये इसको इस तरह से रखूंगी। और ये जितने भी धागे हैं, ये जितने भी धागे हैं इनकी मैं इस तरह से गांठे लगा लूंगी। खाली एक ही बार निकालना है मुझे टाइट से, दो बार नहीं। इस तरह से
मैं सभी धागों को एक एक बार ऐसे निकाल लूंगी। मैं अब सभी धागों को इस तरह से निकाल लूंगी। ये देखिए, मैंने इस तरह से ही खाली एक एक ही गांठ लगाई है। इस तरह से सभी धागों को कर लिया है। अब मैं इन्हें एक एक इंच के बराबर इस तरह से कट कर लूंगी। और इन सभी धागों को पीछे मैं कैंडल से चिपका दूंगी। ये देखिए, मेरा तीनों ये रिंग लग चुका है। मैंने इसमें तीन ही रिंग लगाई हैं। आप अपने डोर के हिसाब से रिंग लगा सकते हैं, जितना बड़ा आपका डोर है, चार या पांच रिंग, और उतनी ही बड़ी आप डोर के हिसाब से पट्टी बना लें। ये अब मैं इसमें नीचे डिजाइन लगा दूंगी। डिजाइन लगाने के लिए मैं इसमें पहले कुछ धागे काटूंगी। ये देखिए, मैंने इसमें ये धागे फंसा लिए हैं। मैंने ये देखिए इस तरह से पहले शुरू में दो ब्लू धागे, फिर दो वाइट, फिर दो ब्लू, फिर दो वाइट, फिर से दो ब्लू और दो वाइट, इसी तरह दो ब्लू और दो वाइट। टोटल मैंने इसमें दो, चार, छः, आठ, दस, बारह, चौदह, सोलह और ये दो ब्लू और फंसा लूँगी मैं इसमें। टोटल इसमें मेरे 18 धागे हो जाएंगे। ये देखिए, ये थोड़ा मैंने टाइट बुना है तो इसमें मैं सिलाई से निकाल लूँगी इस तरह से। फिर इसको मैं इस तरह से निकाल लूंगी। इसी तरह से मैं दूसरा धागा भी यहाँ सिलाई से निकाल लूंगी और ये अब मैं इन सभी धागों में थोड़े हल्की ढीली ढीली ये गांठे लगा लूंगी, सिंपल वाली। ज़्यादा टाइट नहीं करनी है, ढीली ही रखनी है इतनी। इस तरह से इसी तरह मैं इन सब में ये एक एक गांठ लगा लूंगी। ये देखिए, मैंने एक एक गांठ लगा ली है इसमें। अब मैं ये इस तरह का डिजाइन बना लूंगी, जैसे ये मैंने बना रखा है। मैंने ये जो ऊपर डिजाइन डाला है वही नीचे डाला है, तो मैं वाइट के धागे को इधर इस तरह से लूंगी और ये ढीली गांठ ही लगानी है, ज्यादा टाइट नहीं करना है, ज्यादा कसना नहीं है। इस तरह से और इसको इसमें बना लेना है। इसी तरह इधर से ये देखिए, और फिर इसमें एक गांठ अब इसी तरह मैं इस सभी धागों में गांठ लगा लूंगी।
और ये ढीली ही करनी है, इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, नहीं तो ये डिज़ाइन मुड़ जाएगा। बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं करना है। और इसको इस तरह से गांठे लगाते चले जाना है। मैं ये सारी गांठे एक लाइन की इसी तरह से लगा लूँगी। ये देखिए, ये मैंने ये गांठे लगा ली हैं इस तरह से, जैसे कि मैंने ये इधर लगाई हुई है, ये इस तरह से। ये देखिए, इसमें मेरी 1, 2, 3, 4 डिब्बियाँ बनी हैं पहले, फिर बाद में 1, 2, 3, फिर 1, 2, फिर बाद में 1। इसी तरह से मैं इधर बना लूँगी। और ये जो साइड के 2 धागे हैं, ये इस तरह से मैं हर लाइन में छोड़ती चली जाऊंगी। इस तरह से अब मैं ये लाइन भी कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने ये नोट्स लगा ली हैं। अब जो ये मैंने गांठे लगाई हैं, ये तो छूटेंगे ही और ये भी छूटेंगे, और ये वाइट वाले में से भी 2 धागे छूटेंगे इस तरह से। और इन धागों में एक सिंपल गांठ लगा के और इस तरह से ये धागे इधर छोड़ देंगे और ये गांठ लगा लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड से छोड़ देंगे। अब मैं ये फिर से ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ जब तक मेरी एक गांठ ना आ जाए, ये इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने डिज़ाइन इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसको ये 1.5 या 2-2 इंच के बराबर का इस तरह से कट कर लूँगी। इस तरह से देखिए, ये देखिए, अब मैं इसमें इस तरह से 2-2 धागों में ये एक मोती डालूँगी। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, या जैसे आपके पास मिलते हों आपको उस तरह के बीट्स और बेल्स ले लें। ये देखिए, इस तरह से 2 धागों से एक मोती निकाल लिया, फिर ये अलग अलग करके और उसमें ये एक बेल्स डाल लें। ये देखिए, मैंने एक बेल्स डाल लिया है। अब इसको यहाँ चिपका लेंगे इस तरह से, और ये बीट्स और बेल्स इस तरह से लगा लेंगे। मैं सब में अब इसी तरह से लगा लूँगी। ये देखिए, मैंने ये सभी लटकन और ये मोती सब लगा लिए हैं, और ये मेरा पर्दा होल्डर बनकर तैयार हो गया है। अब मैंने एक ये राउंड राउंड ये रस्सी बना ली है। अब मैं इसको इसमें इस तरह से डालूँगी। ये देखिए, ये मैंने पीछे ये हुक्स लगा लिए हैं इस तरह से, और फिर ये इस तरह से करके ये रस्सी लगा ली है मैंने। अब मैं बताती हूँ कि ये मैंने हुक्स कैसे लगाए हैं। ये मैंने बैक साइड करके, और ये गिफ्ट शॉप पे इजीली मिल जाते हैं ये, और इसमें
या तो आप इसको बनाते समय साथ के साथ लगा लें, या फिर आपको मुश्किल लगे तो इस तरह से इसको इस तरह से लगा लें, इसमें पर्दा होल्ड हो जाएगा आराम से। ये देखिए, ये मैंने पीछे की साइड में लगाए हैं, ये देखिए, और इसमें ये रस्सी लगा ली है। ये बहुत ही सुंदर पर्दा होल्डर बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरी आने वाली नई नई वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक यू।